गुरु जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। आज मैं बात करूँगा स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसकी बात मैं करूँगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले मैं आपको स्थायी पूंजी की कुछ बातें बताता हूँ, इसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी। ये दो प्रकार के खाते हम तैयार करते हैं। जब साझेदारी फर्म में अपनी पूंजी की स्थिति जानना होता है तो हम स्थायी पूंजी हमारे पास कितनी है और परिवर्तनशील पूंजी कितनी है, इनकी बात करते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी मैं बात यहां पे समझाता हूं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला, यहाँ पे अंतर का आधार लेते हैं। चालू खाता की हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्थायी पूंजी में चालू खाता बनाया जाता है। यहाँ पर चालू खाता बनाया जाता है यानी स्थायी पूंजी पद्धति जो होती है, इसमें दो खाते बनाए जाते हैं। दो की बात हम यहाँ करते हैं, वो दो खाते कौन कौन से होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको चालू खाता की बात है तो इसमें चालू खाता बनाया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी खाते में चालू खाता नहीं बनाया जाता। शॉर्ट में याद रखना, आपको पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर स्थिरता, यहाँ स्थिरता का मतलब है इसमें पूंजी सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि यहाँ पे दो खाते बनाए जाते हैं। तो जो स्थायी पूंजी में पूंजी खाता बनाया जाता है उसमें पूंजी बदलती नहीं है, स्थिर रहती है। लेकिन इसी में जो चालू खाता बनाया जाता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि स्थायी में पूंजी सदैव स्थिर रहती है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी, जब हम पूंजी खाता तैयार करते हैं तो इसमें पूंजी परिवर्तित होते रहती है, पूंजी बदलते रहती है। तीसरा देखते हैं शेष, और शेष में इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है। यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है क्योंकि पूंजी जो है वो क्रेडिट ही होती है, इसलिए यहाँ पे शेष भी क्रेडिट कर दिया जाता है। अब देखिए परिवर्तनशील पूंजी खाते की बात करते हैं, इस खाते का डेबिट शेष भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने अधिक व्यय कर दिया है तो इस कंडीशन में डेबिट शेष भी हो सकता है। अब खातों की संख्या की यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा। तो जब स्थायी पूंजी बनाते हैं तो इसमें हमने आपको कुछ देर पहले बताया था वीडियो में प्रारंभ के समय कि दो खाते तैयार किए जाते हैं। वो दो खाते के नाम हम बताते हैं आपको। पहला पूंजी खाता होता है और दूसरा चालू खाता। दोनों खाते यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। अब देखिए परिवर्तनशील पूंजी खाता की बात करेंगे, इसमें एक खाता बनाया जाता है, एक खाता तैयार किया जाता है। उसी में स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी दोनों, यानी स्थायी और चालू दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है और एक खाता तैयार कर लिया जाता है, जिसका नाम साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा, शेष परिवर्तन की बात करते हैं। इस खाते का शेष सामान्यतः प्रतिवर्त स्थायी रहता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया जाता। दो अलग अलग खाते होते हैं, पूंजी खाता और इसमें पूंजी खाता, होने के कारण प्रतिवर्त स्थायी होता है। अतिरिक्त यदि पूंजी हमने लगाया है तब ही पूंजी में परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता जो होता है, इस खाते का शेष सामान्यतः प्रतिवर्ष बदलते रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी प्रतिवर्ष बदल रही है। तो यह था स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, और अंतर के आधार पर हमने आपको समझाया कि पहला चालू खाता, इसमें स्थायी पूंजी बनाया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी में नहीं बनाया जाता। इस प्रकार हमने ये पांच पॉइंट आपको समझाया, इन्हें आपको याद कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।